हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रिया चंदेल्स कुकिंग एंड लाइफस्टाइल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ रक्षाबंधन स्पेशल एक न्यू स्वीट रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं, जो कि बहुत ही आसानी से बन जाती है और जिसे बनाने के लिए हमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स भी नहीं चाहिए। ओनली 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ हम ये डबल डे का कलाकंद आज बनाने वाले हैं, जो कि बिल्कुल बाजार जैसा बनने वाला है। तो चलिए बनाते हैं अपनी आज की रेसिपी। तो देखिए, यहाँ मैंने लिया है फ्रेश पनीर 200 ग्राम, जिसे मैंने अच्छे से ग्रेट कर लिया है यहाँ पर। और इसके बाद मैंने लिया है 1 कप मिल्क पाउडर, आधा कप मैंने कंडेंस मिल्क लिया है। तो चलिए बनाते हैं अपनी आज की रेसिपी। और यहाँ मैंने लिया है अब एक पैन, और इसमें मैं ऐड करूँगी ये 1 टेबल स्पून देसी घी। और घी को अच्छी तरह से हम यहाँ मेल्ट होने देंगे, और जब घी अच्छे से मेल्ट हो जाएगा तब हम इसमें ऐड करेंगे ये ग्रेट किया हुआ फ्रेश पनीर। पनीर जो है ग्रेट कर ही यूज़ करें आप। और अब मैं यहाँ इस पनीर को मीडियम फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए अच्छी तरह से कुक करूँगी, क्योंकि हमें इसका थोड़ा सा जो मॉइस्चर है वो कम ख़त्म करना है। तो इसलिए मैं यहाँ 2 से 3 मिनट के लिए से मीडियम फ्लेम पर इस तरह से लगातार चलाते हुए कुक करूँगी। तो देखिए, अब यहाँ मैं इसमें ऐड करूँगी कंडेंस मिल्क। तो यहाँ मैंने लिया है आधा कप कंडेंस मिल्क, क्योंकि मुझे इतना ही स्वीट चाहिए था, मीठा चाहिए था। अगर आपको ज़्यादा मीठा चाहिए तो आप इसके अंदर 1/3 कप यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ इसे मिक्स कर लूँगी। तो कंडेंस मिल्क जो है पनीर के साथ अच्छे से मिक्स हो गया है। और अगर आपके पास कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप उसकी जगह पिसी हुई यहाँ पर शुगर यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी ये मिल्क पाउडर। तो मिल्क पाउडर मैंने यहाँ पे 1 कप लिया है, और अब हम यहाँ से अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेंगे। तो देखिए, यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर ले रही हूँ, और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए मैं इसे 2 से 3 मिनट के लिए अब इसे यहाँ कुक करूँगी। तो देखिए, यहाँ 2 से 3 मिनट के बाद देखिए कितना अच्छी तरह से ये थिक हो गया है, ये बिल्कुल रेडी हो गया है। तो चलिए, अब मैं यहाँ इसे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसे 2 फ्लेवर्स में बनाना है। तो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। एक पार्ट जो है मैं इस ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लूँगी। प्लेट को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है अच्छी तरह से। तो देखिए, मैंने इसका जो आधा पार्ट है इस प्लेट में निकाल लिया है, और अब मैं इसे यहाँ इस प्लेट में सेट कर दूँगी इस मिक्सचर को। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से एक स्क्वायर शेप दे रही हूँ। तो देखिए, मैंने इसे यहाँ पे इस तरह से स्पैचुला की हेल्प से एक स्क्वायर शेप दे दिया है, और इसे हम रख देंगे। और जो बाकी का जो हमारा मिक्सचर है, इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून दूध में 1/2 टीस्पून मैंने यहाँ कोकोआ पाउडर लिया है। और कोकोआ पाउडर को अच्छी तरह से मिल्क में मिक्स करने के बाद ये मिक्सचर जो मैं है इसमें कढ़ाई में ऐड कर दूँगी। और अब मैं यहाँ इसे मीडियम फ्लेम पर ही 1 से 2 मिनट के लिए कुक करूँगी, जब तक कि ये थोड़ा सा थिक नहीं हो जाता है। तो ये बहुत ही जल्दी अच्छे से ये थिक हो गया है। तो देखिए, ये बनके तैयार है अब हमारा चॉकलेटी कलाकंद। और अब मैं यहाँ इस मिक्सचर को भी इस मिक्सचर पे ऐड कर दूँगी। तो देखिए, अब मैं यहाँ इसे अच्छी तरह से इसके ऊपर ऐड कर दूँगी। तो यहाँ हमारा जो है ये डबल डेकर कलाकंद जो है बनके तैयार हो जाएगा। तो देखिए, कितनी अच्छी तरह से मैंने एक लेयर जो है इसके ऊपर लगा दी है। और इसके बाद अब मैं इसे यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ गार्निश कर दूँगी, क्योंकि अभी ये जो है गर्म है थोड़ा, तो जो ये है ड्राई फ्रूट जो है इस पर सेट हो जाएंगे, और इसे हम थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और थोड़ी देर बाद हम इसे चेक करेंगे, और इसके बाद हम इसके पीसेस जो है कट करेंगे। तो देखिए, कितना अच्छा लग रहा है। तो चलिए, अब हम इसे थोड़ी देर के लिए रख देते हैं, और थोड़ी देर बाद अब मैं यहाँ इसे कट कर ले रही हूँ। तो देखिए, यहाँ हमारा डबल डेकर कलाकंद जो है बनके तैयार हो गया है। 2 फ्लेवर्स का जो ये कलाकंद जो है हमने बनाया है। तो इस रक्षाबंधन पर आप ये स्वीट रेसिपी जो है ट्राई ज़रूर कीजिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। और अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे इस चैनल को
लाइक शेयर जरूर कीजिएगा।